welcome to the channel i am mitali neet 2020 air 68 so before beginning the video i would just like to mention here that as we know question practicing is a very important factor while preparing for any competitive exam the neet shala app Provides you with an absolutely free NCRT based question bank in which you can select your specific subjects and your specific chapters. They provide you with solutions for every question so that you can analyze that particular question and get your mistakes. If you want to enroll in the Nichala question bank, if you're interested, you can definitely check them out. The app link will be in the description below. So, getting into the video, this video is going to be about my paper attempting strategy which I used for attempting my exam of NEE 2020. So, let's go. पेपर अटैम्प्ट स्ट्रैटी हम लोग तब बना पाते हैं जब हम बहुत सारे मॉक्स देते हैं यू नो टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं मैंने अपनी पर्सनल जो मेरी आ, पेपर अटैम्प्ट स्ट्रैटजी थी मैंने बहुत सारे मॉक्स देकर ख़ुद को एनालाइज कर कर बनाई थी तो पेपर अटैम्प्ट स्ट्रैटी में आ, बेसिकली सबसे पहले आती है सीक्वेंस कि हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते थे तो मोस्टली लोग बायो पहले करना प्रेफर करते हैं क्योंकि पीसीबी वाले बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बायो होता है उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस रहता है बायो पे बायो सबको इजी लगती है और मेरे अकॉर्डिंग मैं भी आ, मतलब हर पेपर में पहले बायो अटेम्प्ट करती थी क्योंकि उससे क्या होता था कि बायो के क्वेश्चन मतलब बहुत सारा वेटेज रखते हैं बट जल्दी हो जाते हैं कोई ज़्यादा अनालिसिस और दिमाग लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है इसलिए सबसे पहले बायो करके कॉन्फिडेंस भी अप हो जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं और हमें आता है सेकेंडली बायो अटैम्प्ट करने का टाइम तो मैं पर्सनली जब अपने मॉक्स दिया करती थी तो मुझे 30 टू 40 मिनट्स लग जाते थे अपनी पूरी बायो सॉल्व करने में विदाउट ओ एम आर फिलिंग बट जैसे कि हम सबको पता है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो मोस्टली मतलब थोड़े से हाई लेवल बनाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द एक्चुअल जो पेपर आता है एग्जाम में तो uh, जब नीट का पेपर मुझे मिला था वो मतलब मुझे समझ आ गया था कि इट इज़ ऑन द ईजियर साइड और ईजीली हो जाएगा तो नीट के पेपर में मैंने अपना बायो का पूरा मतलब सब कुछ कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के जिनमें मुझे डाउट था मैंने पूरी बायो 20 मिनट्स में कंप्लीट कर ली थी विदाउट ओ एम बबलिंग अब जब मुझे दिख गया था कि आ, मतलब मैंने जल्दी अटेम्प्ट कर लिया है बायो तो मैंने तब के लिए ओ फिलिंग को स्किप कर दिया और मैं डायरेक्टली केमिस्ट्री पे बढ़ गई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं हमेशा अपना पेपर राउंड्स में अटैम्प्ट करती थी और मैं एटलीस्ट तीन राउंड्स देती थी अपने पेपर को फर्स्ट राउंड में वो वाले क्वेश्चंस जो मुझसे बहुत इजीली हो जा रहे हैं जिन्हें मतलब मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा बहुत इजीली मुझसे होते जा रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस। सेकंड राउंड में वो वाले क्वेश्चंस जो मुझसे फ़र्स्ट राउंड में नहीं हो पाए उनमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है या मुझे कन्फ्यूजन है डाउट्स हैं तो मैं उनको सर्कल कर लेती थी या मार्क कर लेती सो so दैट मैं बाद में भूलूँ नहीं उन क्वेश्चन को करना तो सेकेंड राउंड में ऐसे आठ से दस क्वेश्चन जो मुझसे तब नहीं हो रहे होते थे फर्स्ट राउंड में और थर्ड राउंड में बिल्कुल ही दो या तीन वो क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ऐसे मैं अपना पेपर अटैम्प्ट करती थी तो जब मैं अपने मॉक्स देती थी तो मैं हमेशा ये करती थी कि मैं बायो करके फिर ओ एम आर फिल कर ली केमिस्ट्री करके फिर ओ एम आर फिल कर ली फ़िज़िक्स करके ओ एम आर फिल कर ली लेकिन जब मुझे दिख गया था इस पेपर में नीट के पेपर में कि पेपर इजी है और मैं जल्दी पेपर करती जा रही हूँ तो फिर मैंने ओ एम आर फिलिंग इसलिए स्किप करी क्योंकि मुझे लगा कि मैं पेपर पूरा फिनिश करके मैं एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर सकती हूँ ओ एम आर फिलिंग के टाइम इसलिए मैंने तब के लिए ओ एम आर फिलिंग को स्किप किया और उसके बाद uh, मैंने पूरी बायो दिस इज़ माई पेपर ऑफ़ नी ट्वेंटी ट्वेंटी मैंने पूरी बायो कम्प्लीट कर ली एंड उसके बाद हाँ एक और चीज़ ये होती है कि आ, मतलब जब हम मॉक्स देते हैं तो मोस्टली मैंने जितने मॉक्स दिए थे मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी हमारे मॉक्स में ना हमेशा फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सीक्वेंस रहता है मोस्टली लेकिन जो नीट का पेपर आता है उसमें कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है मतलब ऐसे भी हो सकता है कि केमिस्ट्री पहले दे दी ऐसे भी हो सकता है बायो पहले दे दी तो कोई फ़िक्स सीक्वेंस नहीं होता इसलिए जैसे ही यू गेट द पेपर मेन पेपर उसमें सीक्वेंस पलट के देख लेना मेरे साथ कोइंसिडेंटली मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला ही सीक्वेंस मिला था तो so, जैसे नाइन्टी क्वेश्चन पे केमिस्ट्री थी तो uh, मैंने नाइनटिएथ क्वेश्चन से केमिस्ट्री uh, स्टार्ट करी थी नॉट फ्रॉम द फोटी सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम द नाइनट क्वेश्चन क्योंकि मुझे यहाँ से केमिस्ट्री थ्योरेटिकल दिख रही थी और थ्योरेटिकल चीज़ करने में मतलब इंटरेस्ट भी आता है और लगता है कि इसको जल्दी जल्दी कर लो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंड लकीली नी ट्वेंटी ट्वेंटी के पेपर में इनऑर्गेनिक uh, और ऑर्गेनिक तो ईजी होते ही हैं थ्योरेटिकल होते हैं बट जो फिज़िकल के भी क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे मोस्टली फॉमूला बेस्ड क्वेश्चन थे तो केमिस्ट्री करने में भी मुझे ट्वेंटी टू ट्वेंटी का टाइम लगा नॉर्मली जब मैं अपने मॉक्स दे रही होती थी तो मैं फिफ्टी मिनट्स अप्रॉक्स बायो को दे देती थी अलॉन्ग विधमआर फिलिंग और उसके बाद केमिस्ट्री जब मैं सॉल्व करने बैठती थी तो केमिस्ट्री में भी मुझे ऐसे थर्टी 40 मिनट्स लग जाते थे और उसके बाद मैं ओ एम आर फिल करती थी बट यहाँ पे मेरा जल्दी हो गया था तो इसीलिए फिर मैंने फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन से वापस फ़िज़िक्स uh, स्टार्ट कर दी क्योंकि फिर मुझे लगा कि मैं अभी टाइम सेव मतलब मेरे पास टाइम है मैं टाइम रिजर्व कर सकती हूँ तो मैंने अपनी पूरी फ़िज़िक्स ऐसे उल्टा अटैम्प्ट करके फर्स्ट क्वेश्चन तक में गई और मेरा फर्स्ट राउंड कम्प्लीट हो गया अब फर्स्ट राउंड के बाद मेरे पास कुछ ऐसे सात से आठ क्वेश्चन बचे थे जो मुझे रिव्यू करने थे और इस टाइम के अराउंड कुछ सवा घंटा बीत गया था जब मैंने पूरा पेपर एक बार देख लिया था अब क्या होता है ना कि जब आप पूरा पेपर एक बार देख लेते हो आपको पता है कि अब बस सात से आठ क्वेश्चन बचें तो एक वो जो प्रेशर होता है ना वो रिलीज हो जाता है हमें पता चल जाता है कि हाँ यार अब इतना कोई डरने की बात नहीं है हम कर लेंगे अब हो जाएगा और हम मोस्टली सिली मिस्टेक्स मेन एग्जाम में इसलिए करके आते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत होता है अब जब मेरा प्रेशर इनिशियली रिलीज हो गया था तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब मैं जो अपनी ओ है वो बहुत तसल्ली से बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगी और मैंने वही किया मैंने दोबारा बायो से अपनी ओ एम फिलिंग स्टार्ट करी जो मेरा फर्स्ट राउंड था उसकी और जो भी क्वेश्चन मुझे तो छूट गए थे वो तो मैंने छोड़ ही दिए थे बट जो मेरा फर्स्ट राउंड था मैंने उसकी ओ एम फिलिंग स्टार्ट करी और बहुत अच्छे से मैंने पूरी ओ एम फिल कर ली पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिज़िक्स उसके बाद में आई सेकेंड राउंड पे सेकेंड राउंड में मैंने वो सारे क्वेश्चन उठाए सेवन टू एट जो मुझसे नहीं हो रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पर अब क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जैसे बच्चे पूछो थे कि हम सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं तो मेरी तरफ से जो थोड़ी बहुत टिप्स रहती हैं वो ये जैसे मैंने इस बार देखा था 2020 में बायो में स्पेशली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत थे तो हमारे साथ हमें एक एडवांटेज मिला था जैसे तुम यहाँ देख सकते हो ये वर्ड ट्रू जो है ये बोल्ड होकर आया था पेपर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जो बोल्ड होकर आए थे लेकिन कई जगह पर नहीं भी आए थे जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 111 इस क्वेश्चन में कह रखा है नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डी हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अब जो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन है ना वो नीचे लिखा हुआ है तो क्या होता है कि कुछ बच्चों ने अगर इस को इग्नोर कर दिया होगा तो वो आंसर डी एन ए हेलीकेज लगा कर आ गए होंगे बट एक्चुअली आंसर आर एन ए पॉलिमरेज है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हेलीकेज का कोई रोल होता नहीं है तो यहाँ पर जो है ना एग्जामिनर हमको ट्रिक कर लेता है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कीवर्ड्स वर्ड्स हैं ना उसे हम अंडरलाइन कर लें जैसे मैंने ट्रांसक्रिप्शन वर्ड को अंडरलाइन कर लिया था वहाँ पर मुझे दिख गया था तो मैंने जल्दी से अंडरलाइन कर लिया था ऐसे जो कीवर्ड्स तुम्हें तो दिखते हैं ना पेपर में करेक्ट इनकरेक्ट नॉट करेक्ट इन सबको हाईलाइट की मतलब सर्कल uh, कर लो या अंडरलाइन कर लो जिससे कि तुम्हें ध्यान रहे कि मतलब क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है और हमें क्या बताना है इसके अलावा uh, जैसे हम बात करते हैं सॉल्विंग की जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो uh, इस वाले पेपर में इतने कोई कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स थे नहीं बट तो इसलिए मैंने क्या किया था जैसे क्वेश्चन और यहाँ पर छोटा सा स्पेस दे रखा है यहीं सॉल्व कर लिया था बट अगर तुम्हें लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तुम पीछे के रफ वर्क का यूज़ कर सकते हो मैंने बिल्कुल भी रफ वर्क का यूज़ नहीं किया था तुम यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव था नहीं अगर तुम ये स्पेस यूज़ करते हो मेक श्योर कि यहाँ पर लाइन्स बनाओ एक बॉक्स बना के क्वेश्चन नंबर डाल के फिर पूरा कैलकुलेशन करो नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करना क्योंकि अगर तुम्हें आगे क्वेश्चन को रिव्यू करना रहेगा तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर कैलकुलेशन होगा रेफरेंस के तौर पे जिससे तुम देख सकते हो समझ सकते हो कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया था वरना तुम्हें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम वेस्ट होगा इतना कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स करके आई थी अपने पेपर में सो so दैट तुम वो वाली मिस्टेक्स रिपीट ना करो तो मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में दो दो मिस्टेक्स करके आई थी बायो में, में मेरे फुल थे तो मैं एक बार दिखा देती हूँ जैसे कि ये एट्टी एट्थ क्वेश्चन था जो मैं गलत करके आई थी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे को आता था बट द पॉइंट वाज इसका एक स्टेटमेंट था जिसमें नॉट वर्ड यूज था और मैंने वो नॉट वर्ड नहीं पढ़ा मतलब वो नॉट वर्ड मुझे पढ़ने में आया ही नहीं मैंने इस क्वेश्चन को तीन से चार बार पढ़ा दैट इज़ एग्जामिनेशन प्रेशर मैंने इस क्वेश्चन को तीन से चार बार पढ़ा बट नॉट शब्द मुझे पढ़ने में नहीं आया दैट वॉज़ द रीज़न कि ये क्वेश्चन गलत हुआ इसीलिए आई एम टेलिंग यू टू ग्रेज सारी लाइन्स जिससे कि बहुत अच्छे से याद रहे और समझ आए कि मतलब क्या पूछा है उसके अलावा एक क्वेश्चन ये वाला था ये पीरियोडिक का क्वेश्चन है ये मैं ऑनेस्टली मानती हूँ मैं पढ़ के नहीं गई थी मतलब मुझे नहीं आइडिया था इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी और uh, मैंने इसमें से दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए थे बट दो ऑप्शंस में मैं स्टिल कंफ्यूज्ड थी कि क्या होगा तो इस क्वेश्चन में मैं मतलब लगा आई थी मार्क कर आई थी आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट बट मैं कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाह रही थी ऑनेस्टली इसलिए मैं बस लगा आई थी बट तुम ये मत करना क्योंकि मतलब फालतू तुक्का मारना या ज़बरदस्ती अटैम्प्ट करना यू नो ईगो अटैम्प करना कि नहीं नहीं हम तो छोड़ेंगे नहीं हम तो सब अटैम्प करके आएंगे उससे तुम तो नेगेटिव और करा लोगे क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन बाय चांस छोड़ आती तो मेरे सेवन हंड्रेड वन आ जाते तो मेरी रैंक थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी इसीलिए ट्राई करो कि ज़बरदस्ती अटैम्प्ट ना करो अगर नहीं आता है जेनवनली कोई क्वेश्चन तो उसको छोड़ दो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये थर्टी क्वेश्चन मैं गलत करके आई थी फिजिक्स का क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें एनर्जी को वैल्यूट पूछा है मास दे के कुछ नहीं करना था एम सी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना था मैंने एम सी स्क्वायर फॉमूला लगाया बट यहाँ पर मास ना पॉइंट फाइव ग्राम दे रखा है और मैंने उस ग्राम को के जी में कन्वर्ट नहीं किया इसलिए मैंने बोला है यूनिट कन्वर्जनस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना मैं एक ऐसा क्वेश्चन गलत करके आ चुकी हूँ दाते लास्टली uh, ये वाला क्वेश्चन uh, ये है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है बट अगेन मैंने यहां पर रीडिंग मिस्टेक कर दी जिस वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया सो दीज वर फोर क्वेश्चन जो मैं गलत करके आई इसीलिए मतलब आई एम टेलिंग यू माई मिस्टेक्स जो मैंने अपने पेपर में कमिट की थी जिससे कि तुम ये वाली मिस्टेक्स ना अटैम्प्ट करो उसके अलावा देखो मैं तुम्हें तो दिखाती हूँ मैंने ऐसे मैं ऐसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सर्कल कर लेती थी जो मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं होता था ताकि मैं आगे उस उस क्वेश्चन को जब मैं पेज पढ़ लूँ तो वो मुझे दिख जाए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है इसको मुझे दोबारा देखना है अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेपर में बहुत सारे एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन थे बहुत सारे एन सी आर टी की स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में भी बायो में भी इसीलिए ट्राई करना कि मतलब एन सी आर टी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ इवन फ़िज़िक्स में भी मैं दिखा सकती हूँ देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ग्राफ वाला ये डायरेक्टली एन सी आर टी का क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन था और ये वाला ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली एन का क्वेश्चन है मतलब उसके अंदर का अगर तुमने कंटेंट पढ़ रखा होगा तो तुम्हें आएगा नहीं तो तुम न्यूमेरिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एन की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ वाई आई टेल यू टू रीड एन तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने पेपर को तीन राउंड्स में कंप्लीट करती थी और मेरा फर्स्ट राउंड पहले सवा घंटे में कंप्लीट हो गया था फिर मेरे सेकंड और थर्ड राउंड फिर मैंने सेकंड राउंड को भी अराउंड 15-20 मिनट्स दिए थे और उसके बाद बाकी का जितना बचा हुआ टाइम था मुझे दो तीन क्वेश्चन थे जिनमें मैं काफ़ी ज़्यादा अटक रही थी मैंने उनको दिए थे एंड आई थिंक या वो क्वेश्चन आई टेल यू जो मैंने रिव्यू के लिए डाले थे ना अपने जो मैंने बाकी बाद में देखने के लिए डाले थे उनमें से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है जो हुआ है वो जो मेरे फर्स्ट राउंड वाले थे उन्हीं में से हुआ है इसलिए ट्राई करना कि जब तुम फर्स्ट राउंड अपना अटैम्प्ट कर रहे हो बहुत एक्यूरेसी के साथ करो ट्राई करो तुम अपनी सिली मिस्टेक्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिड्यूस कर पाओ सो दिस वॉज माई स्ट्रैटी जो मैंने यूज़ करी थी अपना ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर अटैम्प्ट करने में विच हेल्प्ड मी स्कोर सेवन हंड्रेड मार्क्स आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी अगेन आई वुड लाइक टू से दिस वन थिंग कि मैंने ये स्ट्रैटी जैसे मैंने बताया बहुत सारे मॉर्स दे के प्रैक्टिस करके अपने लिए डेवलप किए हैं मैंने किसी से पूछी नहीं है और किसी से आइडिया नहीं लिया मैं ये स्ट्रैटी तुम लोगों के लिए इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि तुम लोग एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ पाओ और जो भी पॉइंट्स तुम्हें मेरी स्ट्रैटजी में से अच्छे लगते हैं उन्हें अपनी स्ट्रैटजी में इंक्लूड कर पाओ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि मेरी स्ट्रैटजी एकदम फूल प्रूफ है और इसे हंड्रेड अगर तुम अप्लाई कर लोगे तो तुम्हें मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो इट इज़ टोटली अपॉन यू कि तुम्हें क्या अप्लाई करना है एज़ योर स्ट्रैटेजी so this is a wrap on this video i hope you liked it and it helped you and if you did like it make sure you hit the like button and comment down below uh, that what kind of videos you expect from me in the future share it with your aspirant friends or whomsoever you think will be benefited with this video and also also subscribe to the channel guys we are very close to 15k and i will see you again very very soon on the channel with more neat related content hoping to help you with the kind of content that i create till then stay safe stay happy bye bye